सर एंड मैम, आप चाहते हैं ना कि आप जो घर लें, जो अपार्टमेंट लें, जो फ्लैट लें, उसमें मंदिर आपको बना बनाया मिले, और साथ में जो आपको फ्लैट मिल रहा हो उसका ड्राइंग रूम्स लग्जरी मिल जाए। तो जो हम अभी 3 BHK का फ्लैट देखने वाले हैं, ये सारी चीज़ें तो आपको मिल ही रही है। और सोने पे सुहागा, पता है एक जो सबसे अच्छी चीज़ आपको मिल रही है वो क्या है? वो ये है कि ये जो फ्लैट है वो 2 साइड ओपन है, फ्रंट में भी रोड है और बैक में भी रोड है। मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 2 मिनट में आप मेट्रो स्टेशन से अपने घर में पहुंच जाएंगे। तो एक बेहतरीन 3 BHK का जो फ्लैट है उसकी टूर के लिए रेडी हो जाइए, जो फ्री होल्ड है, जिसमें लिफ्ट भी है, कार पार्किंग भी है, और आप उस पर लोन भी ले सकते हैं। एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, घर सही मिलेगा ही। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पे। घर सही मिलेगा ही और घर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सही मिलेगा ही, चाहे वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे द्वारका हो, सर दिल्ली NCR में कहीं भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड से कनेक्ट कीजिए। जो हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स हैं वो आपको विजिट करवाएंगे। अभी आपने देखा कि किस तरह का एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ पे बेड बनाया है, जो फोल्डेबल है, आप इसे आराम से फोल्ड कर सकते हैं, फिर बाहर इसे पुल भी कर सकते हैं। आपके लिए दिल्ली जैसे शहर में एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड एक से बढ़कर एक फ्लैट लेके आता रहता है, और उसी सीरीज में अभी हम आपको दिखाने वाले हैं अपना 3 BHK का फ्लैट। ड्राॅइंग रूम की आपने झलक ले ली थी, बेडरूम का बेड आपने देख लिया, किचन जो यू टाइप में है, वेंटिलेटेड है, उसके भी आपने झलक ले ली है। तो चलिए अब मैं यहाँ से लिए चलता हूँ अपने फ्लैट के नीचे, जिस रोड से आप आएंगे वो रोड मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह के रोड आपको मिलती है घर के ठीक बाहर, और साथ में बिल्डिंग कैसी आपको दिखने में लगेगी, इस तरह से पूरा बिल्डिंग का लुक आएगा। जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे वो पार्किंग आपको यहाँ मिल जाती है। चलिए एक बार लेआउट समझ लेते हैं कि आपको इस घर में, इस अपार्टमेंट में जो बहुत ही प्यारा है, कहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है। यहाँ से आप अपने घर में एंट्री लेंगे, मैं बता दूँ एक फ्लोर पे 2 फ्लैट बनाए गए हैं, दोनों फ्लैट 3 BHK के हैं। जैसे ही आप घर के अंदर आएंगे तो सामने जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है, घर के बाहर निकलेंगे तो वेस्ट फेसिंग होगा। एंट्री लेते ही सर सबसे पहले जो आपको दिखने वाला है ये ब्यूटिफुल स्पेसियस ड्राॅइंग रूम, लग्जरी फील आपको इसमें आएगी। और साथ में मैं एक साइड की बात करूं, हालांकि ये फ्लैट 2 साइड ओपन है, तो पहले मैं आपको फ्रंट दिखाता हूं। यहां आपको एक बेडरूम मिलता है, इस तरफ कॉमन वॉशरूम है, यहां आपको मिल जाता है सेकेंड बेडरूम, इसके साथ आपको बैल्कनी मिलती है, और यहां भगवान जी का जो पूरा मंदिर है वो बनाया गया है। चलिए दूसरी तरफ देख लेते हैं, इस तरफ भी आपको जो रोड है वो मिल जाती है 2 साइड ओपन, ये फ्लैट है, एक फ्लोर पर 2 फ्लैट बनाए गए हैं, यहाँ मॉड्यूलर आपको किचन मिल जाता है। और इस तरफ अगेन आपको मिलता है 3rd बेडरूम, इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है, और साथ में आपको बैल्कनी मिल रही है। चलिए ड्राइंग रूम डिटेल में देख लेते हैं, यहाँ जिस तरह का आपको ड्राइंग रूम मिलता है इसमें आप 6 से 7 आदमी बड़े आराम से बैठ सकते हैं। देखिए थोड़ा पीछे जाइए और पूरा स्पेस दिखाइए, यहाँ इस तरह का पूरा स्पेस आपको मिलता है। मैं चाहूँगा फ्लोरिंग दिखाइए, फ्लोरिंग जो हम लोग ने इसमें दी है वेट्रीफाइड टाइल्स की है, जो स्क्रैचलेस है, ईजी टू मेंटेन है। यहाँ सोफा लगाया गया है, बीच में कॉफी टेबल मिलता है। अगर आप दीवार देखें, थोड़ा क्लोज करिए अमन, इस तरह का ये बड़ा सा प्यारा सा आपको दीवार मिल जाती है, जिसमें यहाँ प्रोफाइल लाइट के साथ साथ जो लोअर्स के काम है वो हम लोग ने किया है, बीच में वॉलपेपर यूज़ किया गया है, और यहाँ कॉपर ग्लास भी हम लोग ने यूज़ किया है। तो इस तरह का जो दीवार है वो मिलता है, इस ड्राइंग रूम को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। और टीवी के लिए 2 जगह ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ आप अपना टीवी लगा सकते हैं। जब आप यहाँ बैठेंगे तो ये बड़ा सा सेक्शन दिया गया है, इसमें भी आप टीवी लगा सकते हैं। ऊपर इस तरह से आप सजाने के लिए सामान रख सकते हैं, यहाँ फैंसी लाइट्स लगाई गई हैं। और साथ में इस तरफ एक बार आइए अमन और दिखाइए, ये सारे स्लॉट्स आपको मिलते हैं,
जिसमें आप अपने हिसाब से इसे सजा सकते हैं, शो पीस रख सकते हैं। इसमें नीचे कुछ स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स भी दिए गए हैं यहाँ इस तरह से। चलिए मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ कि ऊपर की डिज़ाइन कैसे मिल रही है। फॉल सीलिंग की एक बेहतरीन डिज़ाइन जिसमें आपको झूमर मिलता है, दो फैन भी आपको मिल जाते हैं। अगर टीवी आपको यहाँ नहीं लगा के अच्छे डिस्टेंस पे लगाना है तो दूसरी तरफ भी हम लोग ने यहाँ पे दीवार दी है, देखिए इस तरह का ये पूरा दीवार। इसमें भी आप चाहें तो टीवी लगा सकते हैं, तो इट्स अप टू यू कि आप कहाँ लगाना चाहते हैं। बहुत बेहतरीन ड्राइंग रूम अच्छे खासे स्पेस के साथ आपको ये पूरा जगह मिलता है। इसके साथ जो कॉमन वॉशरूम मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बट वो दिखाने से पहले एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ जो दीवार मिली थी उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक लग्जरी लुक में हम लोग ने सजाया है, क्योंकि यहाँ आपका वॉश बेसिन आना है। तो वॉश बेसिन बाहर भी लग सकता है और अगर आप चाहें तो अंदर भी लगा सकते हैं, ऑप्शन वहाँ भी है। एक बार दिखाइए, इस तरह का वॉशरूम मिलता है। इसमें जितनी भी सैनिटरी फिटिंग है वो हम लोग लगा के देंगे। सीलिंग की डिज़ाइन है, वॉल माउंटेड इसमें सीट है, टैब है, डाइवर्टर लगे हुए हैं बाथिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है जो एक वॉशरूम में होना चाहिए। चलिए अब हम चल लेते हैं अपने मॉडलर किचन में। पहले पूरा स्पेस दिखाइए मैंने आप, इस तरह का देखिए पूरा अच्छा खासा आपको किचन में स्पेस मिल जाता है, ना तो इसमें सफोकेशन आपको होगा और जितनी जगह है उसको लगेगा बहुत कंफर्टेबल किचन है। आपको बहुत अच्छा फील आने वाला है क्योंकि ये यू टाइप का किचन बनाया गया है। पहले मैं फ्रिज का स्पेस दिखाता हूँ, यहाँ देखिए स्पेस दिया गया है, यहाँ आप अपना फ्रिज रख सकते हैं। साथ में इस तरफ आपका सिंक आ गया जो साउंड प्रूफ है, टैप हम लोग लगा के देंगे। इसके ऊपर ये सारे कैबिनेट्स मिल रहे हैं। अगर आप इसका कलर भी देखें, माइका जो यूज़ किया गया है बहुत ही प्यारा सा कलर है, बहुत सोबर है, डिसेंट है। यहाँ ओवन आप रख सकते हैं, उसके लिए अलग से जगह दिया गया है और यहाँ भी आपको कैबिनेट्स मिल रहे हैं। वेंटिलेशन के लिए, चूँकि किचन है, आप सब लोग कहते हैं कि विंडो अच्छी खासी होनी चाहिए, तो एम सानवी एस्टेट आपके लिए उसी तरह का यहाँ पे मॉडलर किचन बनाया है। एक तरफ यहाँ भी विंडो मिलती है, यहाँ भी आपको विंडो मिल जाता है। साथ में इलेक्ट्रॉनिक चिमनी भी है कि अगर आप कुछ खाना बना रहे हैं, धुआं आ रहा है तो उसे ये सोख कर ले। और इस तरफ भी बड़े सारे कैबिनेट्स आपको मिल जाते हैं। क्रॉकरी आइटम अगर आपको अलग से रखना है तो उसके लिए अलग यहाँ ये पूरा स्पेस बनाया गया है कांच का, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। क्रॉकरी आइटम आप इसमें रख सकते हैं। नीचे अच्छे खासे स्पेस आपको मिल जा रहे हैं, मैं ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरह के बड़े कैबिनेट्स यहाँ मिल रहे हैं आपको। इसमें हम लोग ने सॉफ्ट क्लोज चैनल यूज़ किया है, बहुत तेज़ी से भी लगाएंगे तो बहुत आराम से लगेगा, आवाज़ नहीं होगी। दूसरी तरफ भी आपको ये सारे स्पेस मिल रहे हैं, यहाँ देखिए क्लोज कीजिए। बॉटल रैक यहाँ अलग से बनाया गया है, इसमें आपसे आपके जो किचन में बॉटल है वो आ जाएगा। हमारे किचन में बड़े कंटेनर होते हैं, उसके लिए अगेन ये पूरा कॉर्नर बनाया गया है जिसमें आप अपना जो बड़ा कंटेनर है वो रख सकते हैं। और साथ में ऊपर सीलिंग की जो डिज़ाइन है वो इस तरह से मिल जाती है। तो एक बेहतरीन किचन, स्पेसियस किचन, यू टाइप में किचन और वेंटिलेटेड, दोनों विंडो तो आपने देखी है। चलिए इसके साथ में जो एक बेडरूम है वो दिखाता हूँ, उसके साथ अटैच वॉशरूम भी है और बैल्कनी भी है। सर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपनों का घर इसी चैनल पे मिल जाएगा। चाहे आप कुछ भी ढूंढ रहे हो, दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली NCR में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, या आप चाहते हो एक लग्जरी अपार्टमेंट्स में रहना दिल्ली NCR में, कहीं भी आप हमें फ़ोन करिए। आपको जो लोकेशन अभी जिसमें मैं डील कर रहा हूँ वो बता देता हूँ। उत्तम नगर है, द्वारका मोड़ है, द्वारका है, गुड़गांव है, द्वारका एक्सप्रेसवे है, इस सब जगह सर आपको फ्लैट्स मिल जाएंगे। बेड यहाँ पे हम लोग ने इस तरह से लगा दिया है, बैक वॉल में कुशनिंग का काम किया गया है और साथ में जो रेस्ट जगह बच रहा था उसमें हम लोग ने वॉलपेपर यूज़ किया है। इसकी दूसरी तरफ यहाँ भी वॉलपेपर यूज़ किया गया है और देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ये सारे जो शो पीसेस हैं वो डाले गए हैं। अगर आप इसमें टीवी लगाना चाहते हैं तो यहाँ आपको एक अच्छा खासा टीवी पैनल यहाँ भी मिल जाता है इस तरह से। इसके नीचे हम लोग ने प्रोफाइल लाइट्स भी लगाई है। यहाँ अगर मैं दिखाऊँ तो देखिए किस तरह का बहुत ही अच्छे डिज़ाइन में ये वार्डरोब बनाया गया, और वार्डरोब भी फुल लेंथ है। ओपन करके अगर दिखाऊं तो इस तरह का आपको स्पेस मिलता है। स्टेनलेस स्टील की रड भी हम लोग ने इसमें लगाई है और साथ में यहाँ भी आपको जगह मिलता है। ऊपर भी स्पेस दिए गए हैं, आप चाहें तो टूल लगा के ऊपर आप सामान बहुत आराम से रख सकते हैं। इसके ठीक साथ में ड्रेसिंग टेबल दिया गया है, लुकिंग ग्लास यहाँ लगाए गए हैं और आप चाहें तो इसमें जो कॉस्मेटिक्स रिलेटेड स्टफ है वो रख सकते हैं। एक बार मैं चाहूँगा फॉल सीलिंग की डिज़ाइन दिखाइए,
इस तरह से फॉल सीलिंग की पूरी आपको डिज़ाइन मिलती है, बहुत ही डिसेंट है, जिसमें कॉब लाइट एलईडी लाइट्स हम लोग ने यूज़ किया है। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बहुत चीज़ दिखाने को है। और सर अगर आप रील्स देखना पसंद करते हैं सिर्फ एक मिनट में, तो हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ प्यारे प्यारे फ्लैट्स के आपको वीडियो मिल जाएंगे। इसके साथ जो अटैच वॉशरूम है वो दिखाइए, इसमें भी जितनी सैनिटरी फिटिंग है वो सब हम लोग लगा के देंगे। रूफ तक टाइल्स लगाया गया है, वेंटिलेशन के लिए विंडो निकाली गई है, चाहे इसमें सीट की बात हो, शावर की बात हो, टैप की बात हो, वो सब हम लगा के देंगे। तो चलिए सर आपको मैं कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। टू साइड ओपन, ये 3 BHK का फ्लैट है, मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, द्वारका मोड़ या नवादा मेट्रो स्टेशन इसके नियर बाई पड़ेगा। बहुत ही प्राइम लोकेशन पे ये फ्लैट है, और ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है सर, लग्जरी फ्लैट आप जानते हैं सानवी एस्टेट बहुत अफोर्डेबल प्राइस में देता है, तो एक प्रीमियम फ्लैट अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है। तो अगर आपको पसंद आए तो सर फटाफट कॉल कर लीजिएगा, देरी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। लिमिटेड फ्लैट है, फिर से बता रहा हूँ सर, लिमिटेड फ्लैट है, सिर्फ 8 फ्लैट है, जिसमें कुछ फ्लैट देख चुके हैं, कुछ फ्लैट अवेलेबल हैं, तो पसंद आएगा ना सर कॉल जरूर कीजिएगा। चलिए इस बेडरूम की बात कर लेते हैं। वेंटिलेशन के लिए देखिए, बड़ी सी विंडो मिलती है, ऊपर आपका विंडो एसी आ जाएगा, यहाँ इस तरह के विंडो मिलते हैं, स्टडी टेबल बनाए गए हैं, यहाँ पे आराम से चेयर रख के इस पे पढ़ाई की जा सकती है, लैपटॉप डेस्कटॉप आप आराम से रख सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम है तब भी आप काम कर सकते हैं, ऊपर भी स्पेस मिलता है, और यहाँ भी ये सारे स्लॉट्स मिलते हैं जिसमें आप कुछ सामान रख सकते हैं, इनफैक्ट बुक रख सकते हैं, कुछ और भी चीज़ें। बेड इसी के बारे में मैंने आपको बताया था, इनफैक्ट इंट्रोडक्शन में मैंने आपको दिखाया भी था, ये फोल्डेबल है, आप चाहें तो स्पेस इसमें बना सकते हैं, इस तरह से इस तरह का पूरा आपको यहाँ स्पेस मिल जाता है, इस तरह से फोल्ड हो जाता है। कैसा लगा आपको बेड, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ देखिए वार्डरोब भी दिया गया है, ताकि आपको सामान रखने में परेशानी ना हो। इसके अंदर एक ड्रॉर्स भी है, ये भी दिखाइए, यहाँ भी आपको एक ड्रॉर्स मिल जाते हैं, नीचे भी एक ड्रॉर्स है, और सेम स्पेस यहाँ भी दूसरी तरफ भी निकाला गया है। एक बार सीलिंग की डिज़ाइन में चाहूँगा दिखाऊँ, क्योंकि डिसेंट सी फॉल सीलिंग की यहाँ डिज़ाइन बनाई गई है, और इस बेड के ऊपर भी ये सारे कैबिनेट्स बना दिए गए हैं, ताकि आप कुछ स्टोर कर सकें। चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ अपने थर्ड बेडरूम में। हमारी कोशिश होती है आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँ, क्योंकि हमारे बड़े सारे ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर हैं, जो हमारी सानवी एस्टेट की फैमिली है, वो दिल्ली के साथ साथ अलग अलग स्टेट से हमें देखती हैं, बिहार है, यूपी है, उत्तराखंड है, बड़े सारे स्टेट से, इनफैक्ट जो कुछ अपने क्लाइंट्स हैं जो NRI भी हैं, जो हमेशा हमारे पास कॉल्स आते हैं, हम फ्लैट भी उनको देते हैं, उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो इंडिया के बाहर रह के भी इंडिया से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि इन्वेस्ट करना दिल्ली जैसे शहर में, और हम चाहेंगे कि रेगुलर वो हमें फ़ोन करें, हमसे फ्लैट लें। चलिए अब थर्ड बेडरूम की बात कर लेते हैं। ये जो बेडरूम है, आप स्पेस देख पा रहे होंगे कैमरे में, कितना बड़ा है स्पेस। मूवमेंट के लिए यहाँ पे दिखाइए अमन, मूवमेंट के लिए इस तरफ आपको अच्छी खासी जगह मिल रही है। वार्डरोब देखिए कितना ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया है, इसमें माइका कितने अच्छे से यूज़ किया गया है, ये डीप स्टोरेज आपको मिलता है इसमें, इसके अंदर भी एक ड्रॉर्स मिल जाते हैं। अब ऊपर अगर दिखाऊं तो कांच का यहाँ पे हम लोग ने स्पेस लिया है और बनाया है इस तरह से। इसकी भी सीलिंग की डिज़ाइन दिखाइए, देखिए सर ये अलग आपको दिखेगा फॉल सीलिंग के डिज़ाइन, मास्टर बेडरूम तो ऐसा ही होना चाहिए सर। देखिए कितनी खूबसूरत डिज़ाइन, यहाँ फैंसी लाइट्स हम लोग ने लगा दिया है, और जब आप यहाँ पे बेड पे रेस्ट करेंगे, आपको टीवी देखने का मन हो, तो इसके ठीक सामने अगेन एक टीवी पैनल दिया गया है, जिसमें आप अपना टीवी लगा सकते हैं, ऊपर कुछ सजाने के लिए सामान भी रख सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको विंडो मिल ही रही है। अब चलिए देख लेते हैं इसके साथ जो बैल्कनी है, वो इस तरह की पूरी आपको बैल्कनी मिल जाती है। यहाँ टैप हम लोग लगा के देंगे, आप अपना वॉशिंग मशीन यहाँ रख सकते हैं, टैप एरिया बना सकते हैं। और ये सर देखिए कितनी हेवी हम लोग ने यहाँ पे रेलिंग लगाई है, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन यहाँ आपको रेलिंग का भी मिल जाता है। एक बार ऊपर भी दिखाइए, ऊपर भी हम लोग ने लोअर्स का काम करवाया है, और इसके ठीक सामने मेट्रो लाइन है, जहाँ मेट्रो जा रही है। दूसरा जो बेडरूम है उसमें बैल्कनी दिखाना रह गया था, वो मैं आपको बैल्कनी दिखा देता हूँ, और एक बार ओवरऑल आप फ्लैट भी देख पाएंगे कि कहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है। चैनल पे नए हैं सर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर रील्स देखनी है एक मिनट की, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाना है। आइए इसकी बैल्कनी देखिए। अब आपने पूरे फ्लैट की डिटेल टूर देख ली है सर, मैं फिर से बोलूँगा, और मैम आपको भी
अगर आपको इस फ्लैट को मिस नहीं करना है, लग्जरी फ्लैट है ये, जो आपने देखा मेट्रो स्टेशन के एकदम साथ में है, अफोर्डेबल प्राइस में है, टू साइड ओपन है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, आप इस पे होम लोन भी ले सकते हैं, तो मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के फ्लैट बहुत कम आते हैं। और एक चीज़ और भी बता दूँ, हमारे पास इसमें लिमिटेड इन्वेंट्री है, तो फटाफट फ़ोन उठाइए, हमारे कस्टमर केयर को फ़ोन कीजिए, और जब आप आएंगे तो जो हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स हैं वो आपको इस ब्यूटीफुल, इस प्यारे से फ्लैट के विजिट करवाएंगे। थैंक यू।